हमारे को इतनी परेशानी है, पास में ठेका खुल गया है और पास में किराने दुकान है, वहाँ पे लड़कियाँ आती है, छेड़छाड़ होती है उन लड़कियों के साथ में, दिन में घर में घुस जाते हैं पिए खाए हुए। और वहाँ पे उस ठेकेदार को बोला भाई ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो वहाँ पे वो लड़के को लाके बिठा दिया, 5-10 लड़के बैठे रहते हैं कि आने तो औरतों को कौन आती है बंद कराने के लिए, हम वो लड़के वो औरतों को नाम लिख लेंगे और हम उनको देखेंगे हम क्या करेंगे उनके साथ में, ये आगे बताएंगे हम। धमकियाँ किस तरह से देते हैं? वो देते हैं कि यहाँ पे हमारे को कौन ठेका बंद कराता है, कौन बाजारों में चलता है, यहाँ इतनी सी छोटी सी बस्ती में क्यों नहीं खुलने देंगे, कि क्या परेशानी है। 8 बजे ठेका खुल जाता है और आते जाते सब हमारे को परेशान करते हैं, और दुकान पे आते हैं लड़कियाँ उनको सिटी बजाते हैं, ऐसे अनशंट बोलते हैं आ जाओ इधर आ जाओ कहाँ जा रहे हो ऐसे बोलते हैं। पार्षद को कोई शिकायत करी थी? शिकायत को उनको भी करी थी, वो भी आए थे, उन्होंने कहा भाई बंद करो, तो कह के नहीं करेंगे आपको ने हमारा इतने पैसे लगे खर्च हुआ हमारा, हम नहीं करेंगे, हम यही चलेगा हमारा। SDM के पास आए क्या आश्वासन दिया मैडम? हाँ उन्होंने कहा हमारा तो आपकी मदद करेंगे, हम पहले भी आए थे और अभी भी आए हैं, इतनी औरतें आई है, हम भूखी प्यासी बैठे हैं और आप हमारी मदद करो। अब भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करोगे? अब क्या करेंगे? हमें हमारा घर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं और डेली आते हैं, वो लोग दारू बेचते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं पूछते मम्मी ये क्या बेच रहे हैं, छत के पर चढ़ते हैं, कभी मैं कपड़ा सुखाने जाती हूँ तो वही आंगन में वो लोग पीते खाते रहते हैं और गंदी गंदी गाली बकते आपस में बोलते रहते हैं, बच्चों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। पास पड़ोस में पता ही नहीं था, यानी 6-7 दिन मतलब 15-20 दिन मान लो, कभी रुक के खोलते कभी बंद कर देते हैं, कहते जाओ हमारा कर लो जो कुछ करना है। पहले भी ऐसे धमकी देते हैं? नहीं था। अभी क्या आश्वासन दिया मैडम? अभी तो मैडम ने समझाया कि हमको आगे पीछे कर देंगे, हम कोशिश करेंगे, बस हमारा को यही चाहिए, और मैडम का ही सहारा हम दोबारा फिर मैडम के पास आएंगे। हमको तो मैडम अगर बोला नहीं है बस मैडम के पास आएंगे। हटा दे ठेका तो ठीक है, हमारा नाम किरण है।